वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो आज मैं पार्ट नंबर 11 नंबर लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो डेली निरंतर मेरी इस क्लास के साथ आप बने रहिए, रोज़ शाम 8 बजे लाइव क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कुछ टेक्निकल की वजह से आपको ये 8 बजे क्लास नहीं मिल पाई, तो इस वजह से आपको ये 9 बजे क्लास मिलेगी। लेकिन मेरा डेली का टाइम भी 8 बजे रहेगा, ये जरूरी नहीं है भी आज से मेरा 9 बजे टाइम रहेगा। डेली आपको शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास राजस्थान जीके की सीरीज ये मिलती रहेगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन किस चौहान शासक का समकक्ष था? नागार्जुन किस चौहान शासक के समकक्ष था? तो ये किसके था? ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। किसके समक्ष था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट सी, नागार्जुन किस चौहान शासक के समक्ष था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये समक्ष था। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ है? राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ शहर कौन सा है? तो वो है जयपुर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली मेरी आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिलती है और निरंतर इस क्लास के साथ आप बने रहिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। चरणदासी संप्रदाय संबंधित है? चरणदासी संप्रदाय किस से संबंधित है? निर्गुण भक्ति से, सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण, सगुण भक्ति से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चरणदासी संबंधित किस से है? तो ये है, ध्यान रखना, सगुण और निर्गुण भक्ति के मिश्रण, यानी कि दोनों के मिश्रण से है ये चरणदासी संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ झाड़ियाँ आदि को काटकर साफ करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सूड। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा घोल झोंपड़ी को क्या कहते हैं? सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा घोल झोंपड़ी को क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं हताई। क्या बोलते हैं? आज आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोंपड़ी को क्या कहते हैं? हताई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लहरिया भांत की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? लहरिया भांत की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? ये ओढ़ी जाती है श्रावण माह में। किस माह में? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जूना पत्रासर है, ये क्या है? थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, देखना आपके लिए क्या है। जूना पत्रासर क्या है? ये है, ध्यान रखना, बाड़मेर में पुरातात्विक स्थल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जूना पत्रासर क्या है? बाड़मेर में पुरातात्विक स्थल। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ? राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में भोंहरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में भोंहरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? तो ये किसमें हुआ है? ये हुआ है किशनगढ़ शैली में। और किशनगढ़ शैली को तो आप कैसे भूल सकते हो? किशनगढ़ शैली की कौन सी है? बाणी ठणी प्रसिद्ध है। बड़े अच्छी तरह से याद रखना, बाणी ठणी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली की। और भोंहरे भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है किशनगढ़ शैली में। अगला क्वेश्चन देखो, खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों एवं घास फूस से बनाई गई मानव आकृति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपको पता ही है, अड़वा या बिजुका इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। और जैसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, जो भी हम खेत में फसलों की सुरक्षा के लिए लकड़ी एवं घास फूस से बनाई गई जो मानव आकृति होती है, मानव की तरह बनाए जाते हैं, उनको अड़वा और बिजुका दोनों ही बोले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शासक ने 1534 ईस्वी में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? ये राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1534 ईस्वी में बाबर के पुत्र कामरान को हराया, तो वो कौन सा शासक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव जैत सिंह बीकानेर। कौन था? राव जैत सिंह बीकानेर का था। इसने क्या है 1534 ईस्वी में बाबर का पुत्र था कामरान, इसको हराया था। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोमोट सिटी अमेरिका। कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोमोट सिटी अमेरिका, जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? वो है ऑस्टिन। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन 1923। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पगड़ी के गहने हैं कलंकी, सरपेच, सरपेच और कलंकी, दोनों उपयुक्त सभी। पगड़ी के गहने हैं तो बताइए मुझे, निम्नलिखित में से पगड़ी के गहने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपेच और कलंकी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? मतंगो, पगड़ी बंधक, कलंगी, सरपेच। पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? वो कहलाता है मतंगो। क्या कहलाता है? मतंगो कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मधुक्का इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? प्याज का, महुआ का, बरगद का, पीपल का। मधुक्का इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ का। किसका नाम है ये? महुआ का है। और आदिवासियों का ये जो जो सुनहरा ईर्ष्या कहलाता है उसको महुआ बोलते हैं। और मधुक्का इंडिका किसका वास्तविक नाम है? महुआ का। निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन है? निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीलाल सोनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार हैं बद्रीलाल सोनी। नेक्स्ट देखो, सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है दाही संस्कार। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर एक दाही संस्कार बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातुराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई, यह कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातुराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई और ये कहाँ पर स्थित है? ये है ध्यान रखना बिड़ला कानन उपवन में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिड़ला कानन उपवन में ये स्थित है। नेक्स्ट देखो, कौन से अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? कौन से अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर पर क्या है सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट देखो, त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, जोधपुर में, बूंदी में। त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ पर स्थित है? तो ये है झालावाड़ में। कहाँ पर स्थित है? कोई भी घंटाघर आ जाए तो वो कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं? पीतल नक्काशी कला, मरोड़ी कला, उस्तरा कला या पाष्ट्र कला। पीतल पर नक्काशी की कला को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मरोड़ी कला। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोरोड़ी कला बोला जाता है पीतल पर है नकाशी की कला। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहाँ पर स्थित है? रसिया बालम का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना ये स्थित है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? रसिया बालम का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? बड़ी पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल। तो चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी पोल। क्या नाम है उसका? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कौन कहलाती है? सुजा लाडनू नागौर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजा लाडनू में है और लाडनू कहाँ पर है? नागौर में। यह क्या है? राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है?
आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है? वो कहलाती है मगरा स्नान। क्या कहलाती है? मगरा स्नान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को काला हांडी कहते हैं? गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को काला हांडी कहते हैं? तो ये बोला जाता है बारां जिले को। किसको बोला जाता है? बारां जिले को। गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त इसको काला हांडी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता था? निम्नलिखित में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता था? वो कहलाता था अड़सटा। क्या कहलाता था? अड़सटा कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने वाले को क्या कहा जाता था? मेवाड़ रियासत में जो स्वामी भक्ति की शपथ लेता था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था आन लेना। क्या बोला जाता था? आन लेना। ये क्या है? मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने वाले को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासियो लोगों में प्रचलित विनियम विवाह को क्या कहा जाता है? ग्रासिया लोगों में प्रचलित विनियम विवाह को क्या कहा जाता था? ये कहला जाता था क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओटा सोटा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओटा सोटा कहलाता था। भी ग्रामीण ग्रासिय लोगों में प्रचलित विनियम विवाह को क्या कहा जाता था? ओटा सोटा करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले चार जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं? घटते क्रम में बताना है। भी 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले चार जिले कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो घटते क्रम में आपको बताना भी कौन से जिले हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखना है, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर है बांसवाड़ा। इसमें पूछा भी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले चार जिले घटते क्रम में बताना है, भी सर्वाधिक है घटते क्रम में बताना है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है जयपुर। कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, जोधपुर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, भी राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है जोधपुर। तो सॉरी, यहाँ पे इसका ग्रामीण जनसंख्या वाला उत्तर हो जाएगा जो जयपुर हो जाएगा, तो मैंने कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो ध्यान रखना राजस्थान ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला देखो, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, पाली, जालौर, राजसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। कौन सा जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है पाली। और आपसे पूछे भी 1000 से सर्वाधिक यानी कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो एक ही जिला है, वो कौन सा है? पाली जिला। इसका क्या है? 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको पता ही है कौन सा है? जैसलमेर। और सर्वाधिक है जयपुर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जिला लिंगानुपात। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। अब आपको पता है डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है? 994, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जोधपुर का कितना हो जाएगा? 940। फिर धौलपुर का 846। फिर सिरोही का ये हो जाएगा, जोधपुर का 816, सिरोही का 900। इसका करेक्ट आंसर आपने देखते हैं नीचे, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 4123। क्या हो जाएगा? 4123 यानी कि 4, 1, 2 और 3 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जोधपुर का 916, डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 846 और सिरोही का हो जाएगा 940। तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर। कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, भी सर्वाधिक जनसंख्या तो है सबसे ज़्यादा जयपुर में, और दूसरे नंबर पे पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष व महिलाएँ किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष व महिलाएँ
किस जिले में है, तो वो है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या अनुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या अनुपात कौन सा किस जिला है? ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर देगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर है डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो गंगानगर, न्यूनतम आपसे पूछे तो गंगानगर, और सर्वाधिक आपसे पूछे तो बाड़मेर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। ये आपको मैंने बता ही दिया कौन सा है, गंगानगर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं? जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? तो आपको बताइए सबसे ज़्यादा किसका है? डूंगरपुर का है 994, और इसका मतलब यहाँ पे एक भी जिला 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा? एक भी जिला नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी, ध्यान रखना, 12 सितंबर 2011 को। कब हुई? 12 सितंबर 2011 को क्या है? राजस्थान जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राज्य के निम्न में से किस भूभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है? भूभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो आपको बताइए उत्तर पश्चिम में क्या है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, अरावली में भी नहीं है लेकिन पूर्वी मैदान में जयपुर जोधपुर यहाँ पर ये आता है, जयपुर का इलाका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने का सबसे प्रमुख कारण है क्या है? निरक्षरता और गरीबी। क्या है? निरक्षरता और गरीबी है सबसे प्रमुख कारण, यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निरक्षरता और गरीबी कहाँ है? राजस्थान में है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहने का प्रमुख कारण यही है, निरक्षरता और गरीबी। तो 45 नंबर का उत्तर दो नंबर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में हूंकार तोप कहाँ स्थित है? उदयपुर में, धौलपुर में, बूंदी में, जोधपुर में। राजस्थान में हूंकार तोप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ध्यान रखना, धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी राजस्थान में खुशी अथवा गम के अवसरों पर अपने निकट संबंधियों तथा मित्रों के मेल मिलाप के लिए किया जाने वाला आयोजन कौन सा है? यानी कि पश्चिमी राजस्थान में खुशी तथा गम के अवसरों पर अपने निकट संबंधियों और मित्रों के मेल मिलाप के लिए किया जाने वाला आयोजन क्या कहलाता है? रियाण। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रियाण कहलाता है। अगला देखो, तन सुख क्या है? पायजामा, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। तन सुख क्या है? तो ध्यान रखना, तन सुख क्या है? अंगरखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 या 4 लड़ी के गले में पहने जाने वाले हार को क्या कहते हैं? 2 या 4 लड़ी के गले में पहने जाने वाला हार क्या कहते हैं? हांसला, भेरेला, रखड़ी, सटका। तो क्या कहलाता है? वो हांसला कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लोक वाद्य है ढोल, टामक, बपंग, रावणहत्ता। सबसे बड़ा लोक वाद्य कौन सा है? तो अंतिम क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे सारे विद्यार्थी, भी सबसे बड़ा लोक वाद्य कौन सा है? वो है टामक। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और लगातार आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिल रही है। और आज आपको शाम 7 बजे मिल चुकी थी रीट की क्लास, टॉप 60 क्वेश्चनों की सीरीज भी आपको मिल चुकी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।